हेलो फ्रेंड्स, सजरिता के नए से ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं तो यहाँ बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। थोड़ा सा बुखार लगा है, अभी सर्दी जाते जाते रह गई है थोड़ी सी। तो सुबह गई थी छत के ऊपर, सब पेड़ पौधे को देख आई हूँ। रात में सब्जी लाया गया था, मैं उसको अरेंज नहीं कर पाई थी फ्रिज में। तो अभी जो सुबह सुबह जो टाइम मिल रहा है, इसमें मैं फ्रिज में सामान रख दे रही हूँ। फिर धीरे धीरे से आराम से कुकिंग का काम शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले आज ये बता दूँ कि आज मछली तो बनी नहीं है, क्योंकि घर में मछली लाया नहीं गया था। ईशा के पापा ने पनीर लेके आया हुआ है, क्योंकि हमारा मछली वाला जो भैया है वो बैठ नहीं रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया हुआ है पनीर की सब्जी। हमारे परिवार में ना फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि अदरक के लहसुन के साथ में सब्जी क्यों बनाएं, या जीरा अदरक से क्यों नहीं बनाएं, इस तरह का नहीं है। हमारे घर में आप कुछ भी बनाएं तो बस नमक मिर्ची का बैलेंस हो जाए, और उससे ज़्यादा कुछ कहते नहीं है। क्योंकि सबको पता है कि काम बड़ी मुश्किल से होती है, कुकिंग का काम उतना इजी नहीं है। ईशा के पापा हर समय बोलते हैं कि अपना सावधान होके काम किया करो, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मामा मामी का घर जो है बहुत ज़्यादा गांव में है, वेस्ट बंगाल के। तो हम लोग अक्सर जाया करते थे, बचपन में बड़े होकर भी गए हैं, शादी के बाद भी जाके देखें कि वो लोग इतने व्यस्त होते हैं ना, तो वो लोग के लाइफ में उतना ज़्यादा कुकिंग के लिए टाइम है ही नहीं। तो वो लोग एक सब्जी बनाते हैं बस, नमक तेल मिर्ची जो है वो थोड़ा अच्छे से क्वान्टिटी में डाल करके, तीखा बना करके वो लोग एक सब्जी से ही चावल खा लेते हैं। वो लोग ज़्यादा उतना हमारे जैसे इतने वैरायटीज़ बनाते भी नहीं है यहाँ कोलकाता के जैसे। कलकत्ता में तो फ्रेंड्स बंगाली परिवारों में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ बनता है, मैंने देखा है 7-8 तरह के बनाते हैं, और खाया भी जाता है। जॉइंट फैमिली होती है तो मिल बांट करके सब बैठ के खाते हैं। पर हमारे घर में तो फ्रेंड्स बहुत छोटा परिवार है, यहाँ कुछ भी बनाओ तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है, ईशा के पापा कहते हैं कि ज़्यादा वैरायटी मत बनाओ, हम लोग चावल थोड़ा खाते हैं। इस वजह से हम लोग को एक या दो सब्जी बनने से ही हो जाता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि टिफ़िन की जो सब्जी है वो अलग बनाओ। इस तरह से मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी सब्जियाँ भी हम लोगों को खाना चाहिए, सब्जी यानी ग्रीन वेजिटेबल्स। वैसे तो फ्रेंड्स मछली में भी मैं ग्रीन वेजिटेबल डाल के बनाती हूँ, जैसे शलगम हुए, फूलगोभी, बैंगन या परवल, पपीता, ये सब मैंने डाल करके बनाती हूँ। आपने देखा होगा, फॉलो करते हैं जो लोग मुझे, उन्हें मालूम होगा मैं सब्जियों में ऐसे डाल करके मछली डाल के ही बनाती हूँ। और वैसे फ्रेंड्स हमारे यहाँ कोलकाता में तो यही है कि हर एक चीज़ में मछली डाल करके बनाने का चलन है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि हम लोग के घर में भी इस तरह से मछली को बनाओ। और हमारी ईशा जो है वो भी पसंद करती है हर चीज़ में मछली डालना। फ्रेंड्स वैसे पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल के खाने का जो चलन है उसमें बहुत अंतर है। हम लोग पूर्व बंगाल से हैं, घर में जो जितनी भी सब्जियां रह जाती है बची हुई सब्जियों को काट कर, पतली से लंबे लंबे काट करके ये जो सब्जी बनती है इसको चोरचुड़ी बोलते हैं बंगाल में। और ये चोरचुड़ी जो है प्रत्येक परिवार में, बंगाली परिवार में ठंड के मौसम में बनाई जाती है और बहुत ही लाजवाब बनती है। तो फ्रेंड्स हर परिवार का अपना एक बनाने का स्टाइल है। तो फ्रेंड्स मैं जो बनाती हूँ मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे परिवारों में ऐसे सरसों पोस्तो और कच्चा तेल डाल के उतारते हैं चीनी डाल करके, लेकिन मेरे घर में इस तरह का हम लोग सरसों पोस्तो और चीनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं इसमें। और कभी कभी तो मैं प्याज डालती हूँ और बहुत सारी हरी मिर्च या टमाटर डाल के बनाती हूँ, लेकिन मैंने देखा है यहाँ के लोग सरसों बाटा करके भी डालते हैं सब्जियों में। तो सबका अपना अपना तरीका है, हर परिवार में माताओं का हर एक के हाथ में जो स्वाद है वो डिफरेंट है, और यही तो यूनिक बनाती है कोलकाता को। फ्रेंड्स मेरा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर से कहिएगा। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स अगर किसी तरह का कोई सजेशन रहता है तो ज़रूर से मुझे दीजिएगा। फ्रेंड्स जीवन में खुश रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, ज़िंदगी भर मेहनत करते करते जब हम बोर हो जाते हैं, थक जाते हैं, और फिर बहुत सारी खुशियां रह जाती है अपने नसीब की, तो वो वाली खुशियां जो है उसे पाने के लिए आप ऐसे कुछ बंदों को खिलाएं जिससे आपको मन में सुकून मिले, जीव जंतुओं को खिलाएं, बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।